नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अप्रैल और आज के करंट अफेयर के साथ मैं डीजे स्टडी से सुबह सुबह अगर करंट अफेयर की शुरुआत एक मोटिवेशनल कोट से एक अच्छी स्लोगन से शुरू होती है तो पूरा दिन अच्छा जाता है। आज पीपीटी भी बहुत अच्छा बनाया है तो इस पीपीटी के लिए कृपया करके जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और जो पहले देख चुके हैं वो इसको चैनल को लाइक करेंगे और इस पीपीटी को ज़रूर शेयर करेंगे। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। सही बात है, समझदार तो सब लोग होते हैं। एक सब्जी बेचने वाला भी समझदार होता है कि वो अपना मुनाफा कमा लेता है, लेकिन उसके सपने कभी सच नहीं होते। वो उतना ही कमा पाता है जितना वो दिन भर में खा पाता है। लेकिन देखा होगा जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए, जितने भी बड़े लोग हुए, वो अपने काम के प्रति पागल होते हैं, दीवानापन होता है उनके काम के लिए। तो अगर आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने टारगेट तक, अपने लक्ष्य तक अगर पहुँचना चाहते हैं, तो उसको इस पागलपन तक चाहिए कि वही शाहरुख खान वाला डायलॉग है, सारी कयानात आपको उससे मिलाने की कोशिश करें। तो चलते हैं ज़्यादा टाइम न लेते हुए। ये मेरा चैनल है डीजी स्टडी, और अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सोशल मीडिया के सीईओ जैक डॉर्सी ने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बात कह रहा है आपको जी, जो जैक डॉर्सी हैं ये कौन है? तो ये क्या है, हमारे जैक डॉर्सी क्या है हमारे? अच्छा, इसमें जितने भी करेंट अफेयर मैं आपको कराऊंगा, 10 करंट अफेयर, 2-3 स्टैटिक फैक्ट्स हैं, और करंट अफेयर क्या जो भी स्टैटिक फैक्ट होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको दिया जाएगा। तो इसके ये ट्विटर के हैं, बी आंसर हमारा सही है, ट्विटर। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, अब ध्यान रखना है कि ट्विटर का सीईओ कौन है हमारे, जैक डॉर्सी, कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी संपत्ति का 28% दान करने की घोषणा की है। बहुत बड़ा दान है भाई, जो उनके पास संपत्ति है उसका 28% हिस्सा दान करेंगे वो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस की टोटल SA ने भारत के किस ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए 3,707 करोड़ रुपए का निवेश किया है? अच्छा, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर अडानी ग्रुप है। पहला है HDFC ग्रुप, अडानी ग्रुप, टाटा ग्रुप और दांद्रा ग्रुप। इसका आंसर होगा हमारा अडानी ग्रुप। कौन सा आंसर है? अडानी ग्रुप, देखते हैं एक बार। इसका फैक्ट बाद में, दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल। अच्छा, एक एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आ गया बीच में। अच्छा, मैंने बीच बीच में कहीं कहीं इंपॉर्टेंट फैक्ट डाले जिससे कि आप क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया, पर ध्यान रखना है आपसे। COVID-19 के संगठन से निपटने के लिए 5T योजना की घोषणा की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 अप्रैल 2020 को COVID-19 के संकट के प्रसार को रोकने के लिए 5T योजना की घोषणा की। 5T योजना में जो 5T हैं उनकी बात करते हैं। पहला है ट्रेसिंग, दूसरा टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट और चौथा टीम वर्क और दूसरा ट्रैकिंग। तो ध्यान रखना है, कभी कभी अगर इनमें से 3 दे दे और चौथा कुछ और पूछ ले तो मे बी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट फैक्ट है हमारा, मुकेश अंबानी वैश्विक अमीरों की सूची में
आठवें पायदान फिसल कर, आठ पायदान फिसल कर कौन से नंबर पे आ गया हम? सेवन, 17वें नंबर पर। फरहुरिन ग्लोबल रिच लिस्ट में मुताबिक कोरोना वायरस की महामारी के बीच 2 महीने के भारत में सबसे अमीर मुख अमीर शख्स मुकेश अंबानी की नेटवर्क 1.44 लाख रुपये करोड़ रुपए घट गई है। अब अंबानी वैश्विक अमीरों की सूची में आठवें पायदान, आठ पायदान फिसल कर कितने नंबर पर आ गए? 17 नंबर पर। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के फैलने से रोकने के लिए एस्मा लागू किया है, जो प्रदेश सरकार के राज्य में नोवेल वायरस में फैलने से रोकने के लिए तत्प्रभाव के आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम एस्मा लागू कर दिया है। एक ट्वीट में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि COVID-19 के प्रकोप को बेहतर तरीके से लागू करने के नागरिकों के हित में राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू किया है। एस्मा क्या है? एस्मा है एक ऐप, वो है एक वो कह सकते हैं आप उससे कि एक पहल चलाई है कि घर तक, घर घर जाकर लोगों तक उनका सामान पहुंचाना। ये उस सवाल का आंसर है जो आगे मैंने अभी पूछा था। अडाड़ी ग्रुप, ये फ्रांस की टोटल एस ए के भारतीय अडानी ग्रुप के साथ ज्वाइंट वेंचर के लिए 3,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है, जिसके तहत 11 राज्यों में 16 प्रोजेक्ट का संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट, देश में COVID-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच किसने बेहद सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है? ये हमारा किसने किया है? भारतीय रेल ने। मीन्स भारतीय रेलवे ने हाल ही में देश में COVID-19 से बढ़ते प्रकोप से बेहद बीच बेहद सस्ता वेंटिलेटर तैयार किया है। इस सस्ते वेंटिलेटर का नाम क्या है? हमारा जीवन। ध्यान रखना, जीवन अगर पूछने आ सकता है कि ये वाला वेंटिलेटर किसने तैयार किया, तो हमारा भारतीय रेल ने। इसे कपूरथला रेलवे कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डैश पर अपने बेस कैंप बनाने के लिए मानव भेजने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है। कहाँ पे? चांद पे। देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन एक बार। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चांद पर अपने बेस कैंप बनाने के लिए मानव भेजने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजा है, जिसका लक्ष्य मनुष्य को 2024 तक चांद पर पहुंचाना है। ध्यान रखना, अगर कभी पूछा पूछा जा सकता है कि नासा ने चांद पर मानव भेजने का लक्ष्य कब तक का रखा है, कि 2024 तक का। नेक्स्ट, स्विट्जरलैंड में आइस हॉकी लेजेंड रोजर सेपो का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? अच्छा, इस टाइप का एज के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते, लेकिन मुझे कुछ और बताना था इसलिए मुझे ये क्वेश्चन रखना पड़ा। 79। अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा। मिस 79, स्विट्जरलैंड के आइस हॉकी लेजेंड रोजर सेपो का हाल ही में 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे देश के 100 से ज़्यादा मैच खेलने वाले, एक तो वहाँ के 100 से ज़्यादा मैच खेलने वाले, दूसरा वर्ष 1964 बिदर ओलंपिक खेला। अब बिदर, अब क्वेश्चन आ सकता है कि स्विट्जरलैंड के हॉकी टीम के बिदर ओलंप 1964 बिदर ओलंपिक खेलने वाले खिलाड़ी का नाम क्या है? तो आपको देखना है रोजर सेपो। घूम के भी आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने किसे सरकारी और निजी दोनों लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच लोगों के लिए मुफ्त कराने के निर्देश दिए? केंद्र सरकार ने पिछले दिए, हमारे केंद्र सरकार ने, दोनों मुफ्त जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार को सरकारी व निजी दोनों लैब में कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच को मुफ्त करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा तंत्र भी विकसित करे जिससे टेस्ट के लिए लोगों से ज़्यादा फीस ली जाए तो उसे वापस लौटा दिया जाए। नेक्स्ट, इंग्लैंड क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी को वर्ष 2019 के लिए विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया? ब्रेन स्ट्रोक, ये हमारे इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, सब जानते हैं इसे। तो ब्रेन स्ट्रोक्स इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर ब्रेन स्ट्रोक को वर्ष 2019 में विजडन लीडिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर चुना गया। 15 वर्ष के बाद यह सम्मान इंग्लैंड के किसी खिलाड़ी को मिला है। 2005 में विजडन में एंड्रूज फ्लिंटॉफ, इससे पहले किसको मिला था? एंड्रूज फ्लिंटॉफ को मिला था। और उसके बाद 15 साल के बाद किसको मिला है? बेन स्ट्रोक को। नेक्स्ट, इसमें से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद
जिब्रेल का हाल ही में 68 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये कहाँ के प्रधानमंत्री? हमारे लीविया के। लीविया के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रिल का हाल ही में 68 के निधन हो गया। वे कोविड 19 संक्रमित थे और वे लीविया के गृह युद्ध के दौरान 2011 में 7 महीने तक अंतरिम प्रधानमंत्री रहे। कब रहे थे? जब गृह युद्ध चला था, तो 7 मंथ के लिए बने थे केवल। हाल ही में किस देश ने भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज में उपयोग होने वाली पीपीई की 1.7 लाख किट भेजी है? पीपीई जो पहला ट्रीटमेंट होता है उसको पता करते हैं, उसके लिए ये किट बनाई जाती है, और ये 1.7 लाख किसने भेजी? हमारे चीन ने। चीन ने हाल ही में भारत को कोरोना वायरस के संक्रमण के इलाज के उपयोग में होने वाली पीपी की 1.7 लाख किट भेजी है। भारत में निर्मित 20,000 पीपी किट आपूर्ति होने के साथ अब 1.9 कितने होंगे भारत के पास? 1.90। 20,000 हमारे पास थी, और 1.7 किसने भेज दी? चीन ने। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में बढ़ते तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है? अब इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आपको पता हो ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ, तो आंसर आपको इजीली निकाल सकते हैं। और आंसर इसका क्या होगा? हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ में समुद्र में लगातार बढ़ते हुए तापमान में कारण काफ़ी हानिकारक कोरल ब्लीचिंग हो रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में 2300 किलोमीटर रीफ सिस्टम में तीसरी विशाल ब्लीचिंग हुई है। 5 वर्षों में लगभग 2300। ये थे आज के करंट अफेयर और कुछ स्टैटिक फैक्ट्स। काफ़ी मेहनत से पीपीटी बनाया फर्स्ट टाइम, अभी तक मैं उस टाइप से नहीं ले रहा था आपका करंट अफेयर, पर मे बी अब फ्यूचर में इसी टाइप से मैं आपका करंट अफेयर चलेगा। तो थोड़ा बहुत कुछ पसंद आया हो कंटेंट या मेरा पीपीटी का मेहनत, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।